तबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी को मोतीपुरा थर्मल की राख के मामले में ट्रांसपोर्टर यूनियन के सदस्यों ने ज्ञापन सौंपा है। अध्यक्ष पुरुषोत्तम मेहता ने बताया कि थर्मल के अधिकारियों और फ्लाई ऐश संवेदक ने करीबन निर्धारित दर से 7 गुनी राशि भराई हेतु वसूली की जा रही है। इसके विरोध में ट्रांसपोर्टरों ने भराई कार्य का 1 हफ्ते से विरोध कर कार्य का बहिष्कार किया हुआ है। विधायक सिंघवी ने ऊर्जा विभाग के उच्चतम अधिकारियों को उक्त धांधली रोकने हेतु कहा है। विधायक को ज्ञापन दिया है। श्रीराम ट्रेडर्स कंपनी है फ्लाई ऐश लोडिंग की, वो क्या 3,350 रुपया पर गाड़ी मांग रहा है, जो उसकी रेट है 13.10 रुपये प्रति टन। तो आपने इसकी शिकायत थर्मल के अधिकारियों को भी करी? चीफ साहब को भी करी है, कई बार अवगत करा दिया चीफ साहब को। अच्छा, और एमएलए साहब को भी ज्ञापन दिया आपने। आज आपने जो विधायक जी को ज्ञापन दिया उसमें क्या मांग करी है? उसमें यही मांग करी, जो 13.10 रुपया उसकी रेट है उसी में भरे गाड़ी। आपने कितने दिन से हड़ताल कर रखी? ये अभी 1 तारीख से, आज 13 तारीख हो गई, 13 दिन हो गए हड़ताल चल रही है। हड़ताल चली है, फ्लाई ऐश के नाम पर लूट की जा रही है। जो छबड़ा थर्मल से फ्लाई ऐश लाकर जहाँ पर भी उनको खाली करना होता है, उन सब लोगों ने ज्ञापन दिया है कि हमको 13.10 रुपये की रेट से थर्मल से फ्लाई ऐश मिलना चाहिए, उसकी जगह हमको 3,350-4,000 रुपये पर गाड़ी दी जा रही है। इतना हमारा शोषण हो रहा है कि हमारे बच्चों को पालना भी मुश्किल हो रहा है, इसलिए हमने आज आपको ज्ञापन देकर, मेरे को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि आप इसका निस्तारण जल्दी से जल्दी हो। ये कहां पर लूट मची हुई है, ये कहां पर भ्रष्टाचार है, क्या पता इसमें थर्मल का प्रशासन भी इन्वॉल्व हो। इस बारे में मैंने अभी इन्हीं के सामने CMD जनरेशन से बात की है, उन्होंने मेरे से कहा है कि मैं 1-2 दिन में इसका निश्चित रूप से हल निकलवा दूंगा।